हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि आप अपने जियो फोन में फोटोज से किस तरीके से जो है मतलब वीडियोस बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना होगा, आपका जो ब्राउजर्स है मोबाइल का जियो फोन का वो ओपन कर लेना है और सर्च बार में चले जाना है और आपके स्क्रीन के सामने ये जो लिखा हुआ है ये शो हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीन में शो हो रहा है ये नोट कर लीजिए खाते में। तो खाते में नोट करने के बाद इसे टाइप कीजिए ब्राउजर्स में। टाइप करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसे जो है सर्च कर लीजिए। तो आपके सामने ये जो ऑन हो जाएगा ऑनलाइन वीडियो मेकर क्रिएट वीडियो फॉर फ्री, ये जो है आप लोगों को नीचे भी मिल सकता है या फिर फास्ट में भी मिल सकता है। तो इसे आप लोगों को यहाँ से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये आप सभी लोगों को एक वेबसाइट में लेकर चला जाएगा। तो आप लोगों को वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो अभी जो है आप सभी लोगों को नीचे चला जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो फोटोज़ और GIF यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल। तो सिंपली आप लोगों को जो है चूज़ फाइल में क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से पर देख सकते हैं गैलरी वीडियो कैमरा म्यूज़िक। तो यहाँ से आप लोग गैलरी जो सिलेक्ट कर लीजिए। गैलरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग जो भी फ़ोटोज़ मतलब देना चाहते हैं इसमें आप लोग फ़ोटो दे सकते हैं। तो सिंपली मैं एक फ़ोटो दे देता हूँ जियो फोन का ही। तो इस तरीके से आने के बाद यहाँ से डन में क्लिक कर दीजिए। डन में क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेस होने में, तो इसे होने के लिए देते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फ़ोटो आ चुका है और यहाँ पर आप लोगों को और भी ऑप्शन मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं एडिट मोर फाइल्स। तो यहाँ से एडिट मोर फाइल्स में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप लोग और फोटोज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक और फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन में क्लिक कर देता हूँ। डन में क्लिक करने के बाद ये जो फ़ोटो आ जाएगा। तो आने के बाद नीचे आप लोग चले जाएंगे तो यहाँ से आप लोग वीडियो का जो रेशियो है 1:1 16:9, तो आप जो भी रेशियो रखना चाहते हैं अपने वीडियो के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं ये रख देता हूँ। और रखने के बाद अगर आपका फ़ोटो का जो ड्यूरेशन है वो आप लोग कितना रखना चाहते हैं, 1 सेकेंड 0.5 सेकेंड जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है 1.5 सेकेंड रहने देता हूँ। ठीक है, दो फ़ोटो है, ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोटोज़ है उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। और यहाँ से अगर आप लोग कोई ऑडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोटोज़ के लिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। तो इसके सब कुछ हो जाने के बाद सिंपली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी फ़ोटोज़ है यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो डायरेक्टली आपका जो गैलरी है वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मैं इसे जो है सेव होने के लिए देता हूँ। होने के बाद आप लोगों को जो है गैलरी में जाकर दिखाऊंगा कि ये सेव हुआ कि नहीं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो बनकर रेडी कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दो फोटो जो है अभी चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी फोटोज़ है अपने अच्छे अच्छे फोटोज़ है इस तरीके से वीडियो बनाइए और अपने दोस्तों को दिखाइए, उनको इम्प्रेस कीजिए। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।